तो दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ लाल किला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है लाल किला। और आज अभी अंदर जाकर देखेंगे कि हम किस तरह के नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और फिलहाल आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है लाल किले की वो जगह जहाँ पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को आकर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको आगे की तरफ ले जाता हूँ और लाल किले को पूरी तरीके से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख पा रहे हैं पीछे की तरफ ये कितना भीड़ ज़्यादा लगी हुई है टिकट के लिए, और काफ़ी लंबी लाइन है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है टिकट के लिए। तो यहाँ पर आप लाइन से बचने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन आर्कियोलॉजिकल साइट से टिकट को परचेज़ करें, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है और है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ से इस QR कोड को स्कैन करके भी आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं, और इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप लाइन से बचना चाहते हैं तो आर्कियोलॉजी सर्वे के इस स्कैनर पर आएँ और यहाँ से पे करें, और टिकट आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप एंट्री कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है टिकट के लिए। तो इस देख लीजिए आप पीछे की तरफ कितनी लंबी लाइन है, और आप अब किस लाइन से बचना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट परचेज़ करें आर्कियोलॉजिकल की वेबसाइट से, या फिर यहाँ पर जो QR कोड स्कैन मैंने आपको दिखाया है वहाँ से आप जाकर भी टिकट को ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। और वहाँ से टिकट परचेज करने पर आपको करीब 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप QR कोड को स्कैन करके और वहाँ से टिकट परचेज़ करें। यह दोस्तों सामने से एंट्री होती है, टोकन लेने के बाद आपको इसी तरफ से सिक्योरिटी चेक के बाद आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। इस तरह टिकट आ जाती है सामने, आप देख सकते हैं ये QR कोड का स्कैन करके हमने पेमेंट किया ऑनलाइन, और यहाँ से टिकट डाउनलोड हो गया और हमने गेट से एंट्री कर ली है। और अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं लाल किले में क्या क्या ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलती है। तो चलिए अंदर की तरफ और दिखाते हैं। दोस्तों पीछे की तरफ आप मेरे देख पा रहे हैं लाल किले का मेन गेट है, और यहीं से लाल किले के अंदर की तरफ एंट्री होती है।
और अभी आप हमको हम आपको ले जा रहे हैं अंदर की तरफ और दिखाएंगे कि किस क्या क्या लाल किले के अंदर चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं लाल किले के इस तरफ जो पीछे ये आप देख पा रहे हैं इस तरफ, ये लाल किले की चार दीवारी है और इसके चार दीवारी के साथ साथ ये एक खाई बना रखी है जो कि दुश्मनों को से बचाने के लिए थी, जिसमें पहले पानी यहाँ पर इसके साथ साथ चलता था। तो चलिए अंदर की तरफ आपको ले चलते हैं। ये शॉल्स की दुकान है, यहाँ पर ऊनी शॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट रेंज के मिलते हैं, देख लीजिए ऊनी शॉल है। देखिए मोस्ट ऑफ द शॉप्स जो हैं वो सभी लेडीज़ आइटम बेच रही हैं, ये आप देख लीजिए अधिकतर शॉप्स पे आपको ये सभी सामान मिलेगा। तो भाई ये किस तरह के, ये जो दिखाई दे रहे हैं किस चीज़ के बने हुए हैं? सब मार्बल के बने हुए हैं और मीनाकारी है, काम किया जाता है इस पर और हमारा फैक्ट्री वहाँ से बनती है, कहीं जॉइंट आपको पीछे मिलेगा। तो इसका कॉस्ट क्या है? इसका स्टार्टिंग प्राइस हमारा प्लेट से होती है 650 से एंड 1,00,000 रुपये तक है हमारे पास। जैसा लगे वैसा वैरायटी है, हम मकाना मार्बल के बना हुआ है, कहीं जॉइंट। दोस्तों ये सभी मार्बल के बने हुए आइटम्स हैं जो आप देख पा रहे हैं और भैया ने बताया कि इसकी कीमत 1,00,000 रुपये तक जाती है। जितना बढ़िया चीज़ रहेगा उतना ही वैरायटी। ठीक है भैया, ये देख सकते हैं ये लेडीज़ बैग शॉप की दुकान है, यहाँ पर ये हैंडमेड आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देख लीजिए ये लेडीज़ पर्स बैग की दुकान है। दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं ये लाल किले के अंदर का मार्केट है और यहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये पुराने जो आर्किटेक्चर है वो आप यहाँ पे देखने को मिल सकता है और ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं मेरे, ये काफ़ी दुकानें हैं जो कि अलग अलग तरीके के सामान जो है यहाँ पर बेच रहे हैं। तो ये है लाल किले की मार्केट जो इसके अंदर की तरफ बनी हुई है। Thank you.
दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं किसी जमाने में काफ़ी खूबसूरत फाउंटेन रहा होगा। देखिए अभी जो इतना खूबसूरत है तो जिस ज़माने में बना होगा तो कितना खूबसूरत रहा होगा। Thank you.
दोस्तों भी हम लाल किला विजिट कर रहे हैं और अंदर की तरफ हम काफ़ी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं लाल किला में, और अभी हम जा रहे हैं कैफेटेरिया की तरफ जो लाल किला के अंदर ही बना हुआ है। तो अभी चल के आपको दिखाते हैं क्या क्या कैफेटेरिया में चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी दोस्तों कैफेटेरिया के पास आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं ये कैफेटेरिया जो कि लाल किले के अंदर की तरफ ही बना हुआ है। देख लीजिए बाहर की तरफ, यहाँ पर कुर्सियाँ डली हुई हैं जहाँ पर लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। और आप देख लीजिए ये लाल किले कैफे कैंटीन का मेन्यू है कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पर इस मेन्यू में देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें कैफेटेरिया के अंदर है, और अभी मैं आपको कैफेटेरिया के अंदर ले चलता हूँ। तो ये है दोस्तों कैफेटेरिया लाल किले का, देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और देखते हैं क्या क्या खाने पीने के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे कैफेटेरिया का काउंटर जहाँ से आप अपने सामान के लिए टोकन परचेज कर सकते हैं। ये कैफेटेरिया है जहाँ से आप अपने सामान ले सकते हैं, और ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ बैठने के लिए ऑप्शन है, बाकी आप बाहर इन टेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं खाने पीने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का लाल किले का वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग हरि भारद्वाज ब्लॉगर चैनल।